प्रदीप शर्मा। हाँ शर्मा जी, अभी आप कहाँ पर खड़े हैं, क्या वजह है इसके टूटे होने की, जो रोड टूटा हुआ है? ये भूड़पुर का जो शमशान घाट है और इधर से जिंदपुर से जो रोड आया हुआ है, यहाँ हम चौक पर खड़े हुए हैं। एक रास्ता नंगली की तरफ गया है और एक रास्ता जिंदपुर से आया और इधर हनुमान मंदिर की तरफ गया है। यहाँ पहले भी काफ़ी हादसे हुए हैं, पीछे एक वैगन आर गिर गई थी 2015 में और वो पूरा परिवार इसमें धस के मर गया था, और ये फिर उसके बाद पुनर्निर्माण किया गया था लेकिन फिर टूट गया है। अब इसके सिग्नल वगैरह भी सब खराब हो गए हैं और ये फिर टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अभी क्या समस्या आ रही है यहाँ पर, क्या वजह है? समस्या ये है जैसे अब धुंध का प्रकोप बढ़ेगा आगे, तो धुंध के प्रकोप में फिर इसमें कोई ना कोई खतरनाक हादसा हो सकता है और जान माल की हानि हो सकती है। क्यों हादसे ज्यादातर यही होते हैं? यहाँ हादसे इसलिए होते हैं कि इधर से भी ट्रैफिक आता है, इधर से भी मोड़ है ये, और मोड़ यहाँ एकदम रोड मुड़ गया और मुड़ने की वजह से ड्राइवर को जजमेंट नहीं मिलता और धुंध इतनी होती है कि गिर सकता है गाड़ी। जो अनजान लोग होते हैं उन्हें पता नहीं है, अनजान लोगों को पता नहीं है रास्ता। अनजान लोगों को इस रास्ते का पता नहीं है और वो गलत फहमी में सीधे चलते हैं तो वो गिर जाते हैं इसमें और काफ़ी दिक्कतें आती है। तो हमारी दरखास्त ये है कि इसको दोबारा से निर्माण किया जाए और उसमें सिग्नल लगाए जाएँ ताकि लाइट पड़ते ही गाड़ियों की लाइट से ये सिग्नल दिखे और ड्राइवर अपनी गाड़ी को बचा जाए। क्या कभी आप लोगों ने इस समस्या को लेकर शिकायत की है प्रशासन से? प्रशासन से शिकायतें की हैं लेकिन अब तक सुनवाई कोई नहीं हुई है।